नमस्ते दोस्तों। तो आज आपको 7805 आईसी से सोल्डरिंग आयरन बनाकर दिखाने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो इसका नंबर आप देख सकते हैं L7805CB। तो चलिए इसमें आपको एक पावर सप्लाई लेंगे, डीसी पावर सप्लाई। चलिए इस डीसी पावर सप्लाई का आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाते हैं कितना वोल्टेज का हमने डीसी पावर सप्लाई लिया। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लिया। चलिए इसका वोल्टेज को आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं 15.88 वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट दे रहा है, देख सकते हैं। चलिए इसमें आईसी को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर पिन पर हमने प्लस वायर का लगा लिया और दो नंबर पिन पर माइनस वायर का लगा लेंगे। चलिए आईसी का वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, तो ये 6 to 24 वोल्ट इनपुट देने से ये 5 वोल्ट पर कन्वर्ट करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, देख सकते हैं। तो इस आईसी से आपको सोल्डरिंग आयरन बनाकर दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पर बने रहिए। इसको सोल्डरिंग करके भी दिखाऊंगा, तो ये कितना वोल्टेज पे काम करेगा तो वो भी चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। तो देख सकते हैं, चलिए सबसे पहले इस डीसी पावर सप्लाई का वोल्टेज को हम 5 वोल्टेज डीसी में सेट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इसका वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 5 वोल्टेज में सेट कर लेंगे। यहाँ पर 15 वोल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर 15 to 16 वोल्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसका वोल्टेज को हम 5 वोल्टेज में सेट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोब दिया, इसको घुमा के इसको सेट कर लेंगे वोल्टेज को। तो चलिए इसका 5 वोल्टेज सेट करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसका वोल्टेज को हमने 5 वोल्टेज पर सेट कर लिया, देख सकते हैं। चलिए इसमें लगा के आपको दिखाते हैं। तो देख आईसी में 3 पिन है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन। तो ये 2 नंबर पिन पर इसको प्लस वायर को लगा लेंगे डीसी पावर सप्लाई का, तो जो 3 नंबर पिन पर इसको माइनस वायर को लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से आपको दोनों वायर को कनेक्शन करना है। तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो ये आईसी हीट होगा। तो चलिए इसमें आपको दिखाते हैं इसको टेस्ट करके ये कितना हीट होता है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों वायर को कनेक्शन कर लिया है, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। चलिए इसको कितना हीट होता है इसको चेक करके आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा के आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सोल्डरिंग पेस्ट किस तरह से अभी पिघला रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सोल्डरिंग वायर को भी लगा के इसको चेक करते हैं, ये सोल्डरिंग वायर को पिघला सकता है या नहीं पिघला सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डरिंग वायर को भी पिघला रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये सोल्डरिंग कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये 5 वोल्टेज पे इतना सारा इतना ज़्यादा हीट होता है, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका वोल्टेज को भी इंक्रीज करके आपको चेक करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले 5 वोल्टेज में आपको चेक करके दिखाते हैं सोल्डरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हमने एक एलईडी लाइट को सोल्डरिंग करके देखेंगे, ये एलईडी लाइट को सोल्डरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देख सकते हैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ एलईडी लाइट को सोल्डरिंग करके। तो देख सकते हैं एलईडी लाइट को सोल्डरिंग कर दिया, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका वोल्टेज को हमने इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा इसको 8 वोल्टेज में सेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसको हमने 8 वोल्टेज पर सेट कर लिया। चलिए इसको 8 वोल्टेज में चेक करते हैं कि 8 वोल्टेज में कितना ज़्यादा हीट होता है। चलिए इसको जैसे लगाता है इस तरह से इसको फिर से लगा लेंगे, 2 नंबर पिन पर प्लस वायर और 3 नंबर पिन पर माइनस वायर को लगा लेंगे। देख सकते हैं इसको जैसे लगा था फिर से इसको लगा लिया इस तरह से। चलिए इसको आपको चेक करके दिखाते हैं 8 वोल्टेज पर कैसे काम करता है। तो देख सकते हैं 8 वोल्ट पर अच्छे से काम करता है। तो सोल्डरिंग, चलिए इसको दोनों वायर को सोल्डरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो एक छोटा सा के एक्सपेरिमेंट वीडियो था, तो आप सबको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इसको दोनों वायर को आपको सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से ये सोल्डरिंग कर रहा है, जैसे सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग होता है इस तरह से ये सोल्डरिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप घर पर भी बना सकते हो इमरजेंसी में, इस तरह से इसको 8 वोल्टेज देने से इस तरह ज़्यादा हीट होता है, देख सकते हैं। चलिए इसको आपको सोल्डरिंग वायर को फिर से पिघला कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं किस तरह से पिघला रहा है सोल्डरिंग वायर को। चलिए इसको डिसोल्डरिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं किस तरह से डिसोल्डरिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आप सबको हमारे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर सिलेक्ट कर देना। इस तरह से अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर